इंसान लाठी मार रहा किसी के, अब पुलिस प्रशासन है, अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आके वो हम पे लाठी चार्ज कर दे तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर पुलिस प्रशासन का काम है लाठी चार्ज करना, उसको आदेश दिए होंगे या तो मोदी ने दिए होंगे। हरियाणा के अंदर लगातार 3 दिन से राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं किसाना थाने के बाहर, गिरफ्तारी जो किसानों की उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी किसानों ने पूरी कोशिश की, प्रशासन भी मौजूद है, और रात को 12 बजे 2 किसानों को छोड़ा गया, लेकिन अभी भी एक किसान गिरफ्तार है अंदर जेल के। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासन की हट धर्मिता है कि पहले तो अभी आप वहाँ से शुरू करिए जहाँ से ये किस्सा हुआ। JJP का विधायक, पहले उसने कहा कि मुझे किसानों ने मारा, किसानों ने गाली दी, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी को गाली नहीं दी, तो फिर मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ? और माफ़ी मांगते हुए उसने कहा है कि मैंने जो आप शब्द कहे किसानों को, वो मुझे नहीं कहने चाहिए थे क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो इसका मतलब हमारा किसान सही था, सच बोल रहा था। झूठ किसने बोले? विधायक ने। और उस विधायक ने अपनी डॉक्टरी कराई, FIR दर्ज हुई। तो जब किसानों ने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, तो वो डॉक्टर कौन है जिसने फर्जी रिपोर्ट बनाई है उसकी? वो कहाँ जाएगा? वो अधिकारी कौन है जिसने उसकी फर्जी रिपोर्ट लिखवाई? ये भी तो जांच का विषय है, इनको भी अरेस्ट करो। और दूसरी चीज़, उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। जब उसने अपनी सारी माफ़ी मांग के वो एप्लीकेशन वापस ले ली, तो वो किसान अंदर क्यों है जेल के अंदर? और ये जो दूसरे दो छूटे हैं ना, इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, वो दूसरे केस में घर से उठा के लाए हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उठाया था वहाँ, उस टाइम तो यही दिखाया था कि इन्होंने जो बबली सिंह जो विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उनके खिलाफ गाली गलौज की थी, उसकी वजह से उठाया था। नहीं, जो मुझे जानकारी, अगर हो सकता है जैसे आप कह रहे हो वो भी सही हो, मुझे जो जानकारी है, मुझे ये है कि वो इस केस से अलग हैं, लेकिन भाई वहीं के हैं और किसान यूनियन से जुड़े हैं, पहले से वो लड़ रहे हैं, पहले दिन से किसान लड़ रहा है। और इसके लिए जितने भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी निगाह रख रहे हैं कि अगर उसका एक कार्यकर्ता का भी कोई दिक्कत आती है तो सारे पदाधिकारी खड़े रहते हैं। ये पदाधिकारियों ने अपनी जो विश्वसनीयता है वो और हम किसानों में बढ़ गई है। लेकिन अभी भी एक किसान गिरफ्तार है और अभी भी राकेश टिकैत और तमाम बड़े किसान नेता डटे हुए हैं, तो कब तक डटे रहेंगे? देखिए, मेरी सुबह मैं उनको देख रहा था, तो सुबह उन्होंने कहा था दो तो छूट गए हैं और एक अभी बाकी है, तो फिर वहाँ एक मीटिंग हो रही है। अभी उस मीटिंग का कोई आदेश नहीं आया हम लोगों तक, जैसे ही उनका कोई आदेश आएगा, पूरे भारत का किसान की निगाह इस टाइम वहीं लगी हुई है कि कोई एक आदेश आए, जैसा आदेश होगा तुरंत उस पर वैसे ही कार्रवाई किसान शुरू कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली से आंदोलन हटा के एक जाट आंदोलन में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि हिसार पूरा जाटगढ़ है? देखिए, कई बार होता है राजनीति चुनाव के लिए ये धर्म परिवर्तन करने की सोच बनाई जाती है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, खालिस्तानी से नहीं टूटे, आतंकवादी से नहीं टूटे, टुकड़े टुकड़े गैंग से नहीं टूटे, नक्सली से नहीं टूटे, माओवादी से नहीं टूटे, पाकिस्तान चीन की फंडिंग से नहीं टूटे, खालिस्तानी से नहीं टूटे, आंदोलन नहीं टूटा। अब ये क्या कर रहे, जातिवाद पर तोड़ेंगे, हमें तोड़ देंगे। ये जैसे वो कहते हैं ना, ये वो मजबूत जोड़ लगा हिंदू मुस्लिम सिख का, कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, अब नहीं टूटेगा ये। तो ये जो मर्जी हम पे जाति बिरादरी का लगा ले, अब हम जाति बिरादरी है ही नहीं, हमारी तो एक जाति और एक धर्म और एक देश। किसान हमारी जाति, किसान हमारा धर्म और भारत हमारा देश, इस पे हम लोग सब किसान चले हुए हैं।